दिवाली के त्योहार पर सब खुशियों की दुआ करते हुए एक दूसरे को मिठाइयां बांटते नजर आते हैं। जिला बार एसोसिएशन की तरफ से भी बार रूम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी जुडिशियल ऑफिसर्स और वकीलों ने एक दूसरे को दिवाली के पावन त्योहार की बधाई दी। जहां जुडिशियल ऑफिसर्स ने वकीलों को बधाई संदेश दिया, वहीं यमुनानगर के SP राजेश कालिया मंच पर अलग अंदाज में ही नजर आए। SP राजेश कालिया ने सभी को बधाई दी और साथ ही ये संदेश भी दिया कि वो भी कानून का एक हिस्सा है और हम सब लोग मिलकर समाज को आगे बढ़ा सकते हैं और ये त्योहार आप सबके जीवन में ढेरों खुशियां लाए। और हंसते हंसते ये भी कहा कि सभी न्यायालय के आदेश के अनुसार समय का पालन करें। दिवाली के दिन ही जलाएं और 6:30 से 9:30 के बीच में जलाएं ताकि हमें मौका ना मिले। पुलिस का काम थोड़ा हल्का रहे। सेफ दिवाली, सुंदर दिवाली। दिए जलाएं, दिल ना जलाएं और अपने आप को समाज में अच्छा एक अच्छा उदाहरण पेश करें। एंजॉय दिवाली मनाएं, परिवार के साथ मनाएं और सबके लिए दिवाली खुशियां सभी कह चुके, समृद्धि सभी कह चुके, मैं आपके लिए शांति की प्रार्थना करूँ। वहीं एक वकील ने बताया कि दिवाली से पहले हम हर वर्ष एक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, जिसमें जिले के सभी जुडिशियल ऑफिसर्स और सभी वकील साथी शामिल होते हैं और आज भी ये कार्यक्रम किया गया, जिसमें जिला के SP और DC भी मौजूद रहे और हम सब ने एक दूसरे को दिवाली की बधाई दी और ये कामना भी की कि त्योहार सबके जीवन में खुशियाँ लेकर आए। दिवाली के उपलक्ष्य में हम हर साल आपसी भेदभाव मिटाकर और आपसी प्रेम बढ़ाने के लिए एक वकीलों का और एग्जीक्यूटिव के जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, DC साहब हो गए, SP साहब हो गए और ADC साहब हो गए और हमारे जुडिशियल ऑफिसर जितने भी हैं, माननीय जगदीप जैन जी और जितने अन्य ऑफिसर्स हैं, उन सब के साथ मिलकर एक ये प्रोग्राम सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें कि जो अपने जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं और जो एडवोकेट्स हैं, एक दूसरे को दिवाली की बधाइयाँ देते हैं और कामना करते हैं कि ये दिवाली का जो त्यौहार है उन सब के लिए अच्छे और एक बहुत सुंदर दिन लाए। बेंच और बार का आज दो सगे भाइयों जैसा संबंध में देखिए, किसी भी धर्म से पहले देश ऊपर है और इसी देश के हित के लिए माननीय हाईकोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिए थे कि 6:30 से 9:30 तक जो दिवाली का त्यौहार है, जो आतिशबाजी और पटाखे बजाने हैं, वो 6:30 से 9:30 तक उन्होंने धर्म का भी ध्यान रखा है और देश का भी ध्यान रखा है और कामना करता हूँ कि आगे भी ये इस तरह जारी रहेगा। यमुनानगर से सुमित ओब्रॉय की रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज और इंटरेस्टिंग कॉमेडी और एंटरटेनमेंट वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल नेशनल बस और लाइक करें हमारा Facebook पेज। कीप लाइकिंग।